गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, क्या आपको पता है कि आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम फिर से एक चित्र का वर्णन करने जा रहे हैं। तो बच्चों, क्या आपको याद आया कि हम सब ने एक बार चित्र वर्णन के बारे में पढ़ा था ना? बहुत अच्छे, तो आज हम एक और चित्र वर्णन के बारे में पढ़ेंगे। और आपको क्या करना है, उसी चित्र को अच्छे से समझना है, देखना है, और फिर चित्र के हाव भाव को पढ़ने के बाद ही आपको उस पर 5 वाक्य लिखने हैं। तो सबसे पहले चलिए हम ये जान लेते हैं कि चित्र वर्णन किसे कहते हैं। बच्चों, आज का जो हमारा विषय है वो है चित्र वर्णन। तो चलिए हम सबसे पहले इस चित्र वर्णन के बारे में जान लेते हैं। चित्र वर्णन, किसी चित्र को देखकर आपके मन में जो विचार या भाव उत्पन्न होते हैं उसको अपने शब्दों में लिखना ही चित्र वर्णन कहलाता है। हाँ बच्चों, जब भी हम किसी भी चित्र को देखकर उसको अपने मन में जो विचार जो भाव उत्पन्न होते हैं उसे जब हम अपने शब्दों में लिखते हैं तो वो चित्र वर्णन कहलाता है। तो चलिए आज हम आपके लिए कौन सा चित्र लाए हैं, चलिए देखते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही सुंदर चित्र है। अब यहाँ देखिए, ये चित्र आपको देखने में कैसा लग रहा है? इसको देखकर आपके अंदर कैसे कैसे विचार आ रहे हैं? आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? इस चित्र में कौन कौन सी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं? तो इन सब के वर्णन को ही हम चित्र वर्णन कहते हैं। बच्चों, सबसे पहले आप इस चित्र को देखोगे, फिर उस चित्र से संबंधित अपने विचार और भाव को प्रकट करोगे, फिर अपने शब्दों में उसे लिखोगे, तो वही चित्र वर्णन कहलाता है। तो यहाँ देखिए, बहुत सारे पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं, छोटी छोटी घाटियां हैं, नदी भी दिखाई दे रही है, और ये देखिए, यहाँ तो तितलियां भी हैं, चिड़ियां भी दिखाई दे रही हैं, और खूब तेज चमकता सूरज भी दिखाई दे रहा है, और यहाँ बच्चे भी हैं, वो भी खेल रहे हैं। तो बच्चों, आपको भी इसी तरह इस चित्र को अच्छे से देखना है और समझना है, फिर जाके अपने शब्दों में 5 वाक्य लिखने हैं। हाँ बच्चों, ये याद रहे, चित्र से बाहर की चीजें नहीं होनी चाहिए, बस आप जो चित्र में जो जो चीजें देख रहे हैं उन्हीं से संबंधित वाक्य होना चाहिए। तो बच्चों, चलिए अपनी उत्तर पुस्तिका लेकर तैयार हो जाइए, और यहाँ पर दिए गए चित्र को देखकर 5 वाक्य लिखने हैं, वो भी आपके कोमल कोमल सुंदर सुंदर हाथों से, सुंदर सुंदर अक्षरों में। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।